Hi guys, it's Shubhangi. Welcome to my channel. आज का वीडियो बहुत 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 स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं डिजिटल इलस्ट्रेशन ट्राई करूंगी लैपटॉप पे. Yes, iPad पे नहीं. And I think that would be the most exciting part of this video क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी डिजिटल इलस्ट्रेशन बनाई है वो सारी iPad पे बनाई है. I don't know why. आज मैं यूज करने वाली हूँ Asus ZenBook Pro and I cannot tell you guys how excited I am. So this laptop has two screens. One a primary screen and second is the secondary screen. Can you guys believe this? And ये second screen actually help करती है cross multitasking में. And you guys know me, मैं कितनी crazy multitask करूँ, मतलब मुझे खुद को पसंद है multitask करना. ये world का first laptop है with innovative active aerodynamic system ultra design which raises the rear of the laptop by 12 degree which has resulted in improved cooling by allowing 38% more airflow for higher performance. Stunning visuals है यार इस laptop के. भारी भी नहीं है, बस 1.7 kg यार. ये सब चीजें बात कर करके ना मेरा इतना ज्यादा मन कर रहा है अपनी illustration start करना. I know you guys are excited too. So without wasting any moment, let's start the video guys. सबसे पहले तो मुझे उसका color काफी ज्यादा crazy लग रहा है. Classy tech black colorway. Wow. So आज मैं use करने जा रही हूँ Photoshop. ऊपर से ही laptop भी पूरा touch screen है तो आज तो मतलब मजा ही मजा. Additionally guys, आज मैं use करने वाली हूँ Asus का स्टाइलस. चलो अब जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन को. बट हाँ, इस स्टाइलस में है 3 बटन टोटल, टॉप बॉटम एंड ब्लूटूथ बटन. सो कूल राइट. ब्लूटूथ बटन की हेल्प से हम अपने स्टाइलस को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. घबराओ नहीं, ये सिर्फ एक रफ स्केच है यार. Chill. Anyway, अगर आपको लग रहा है कि मैं बना क्या रही हूँ, यहाँ मैं इलस्ट्रेशन बना रही हूँ अपने गांव की, अपने होम टाउन की, विच इज उत्तरांचल. मैं exactly जिस जगह से बिलोंग करती हूँ मैं आज वो जगह इलस्ट्रेट करने वाली हूँ. By the way, I'm sure आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार ये कंट्रोल पैनल डीजे लाइक क्या हो क्या रहा है यहाँ पे. सो यार ये कंट्रोल पैनल है टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर आवर क्रिएटिव ऐप सच एज Adobe Illustrator, Photoshop एंड सो ऑन. एंड यू नो वॉट, आप इस कंट्रोल पैनल को कस्टम भी कर सकते हो. इसकी हेल्प से हम अपने ब्रश का साइज, ओपेसिटी एंड पता नहीं कितनी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं. अगर आपको ये सेकेंडरी स्क्रीन नहीं चाहिए तो आप इसको भी हटा सकते हो, मतलब टर्न ऑफ कर सकते हो, विच इज जस्ट सो कूल गाइस. मैं लिटरली बस ये सोच रही हूँ कि इस लैपटॉप में कितनी सारी चीजें हैं, कितनी ज्यादा फंक्शनैलिटीज हैं एंड तुम कितने डिफरेंट वे में इसे कस्टमाइज कर सकते हो. दिस स्क्रीन इज 12.7 inches IPS टच स्क्रीन. दिस मैचेस द डेंसिटी ऑफ द मेन स्क्रीन. आज तो मजा आ गया. बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस इलस्ट्रेशन, मैं जल्दी जल्दी यार अपने विलेज, अपने होम टाउन, अपने गांव को कंप्लीट करूंगी. सो यस, मैं हर समर वेकेशन हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ अपने गांव जाती थी अपनी दादी से मिलने. एंड ऑफ कोर्स वो पहाड़, वो नदियाँ, वो घर, वो खाना, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है आज भी. एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मैं इतना फट फट फुर फुर इतनी जल्दी कैसे ये सब कर पा रही हूँ. सो यार ये जो लैपटॉप है ये स्पेसिफिकली डिजाइन है फॉर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएशन. सो आई थिंक दैट is helping me to complete this quickly. So, यार मेरे होम टाउन में काफी ज्यादा हरियाली है तो इसीलिए मैं यहाँ पे काफी सारे पेड़ और पौधे बनाने वाली हूँ एंड इसीलिए यहाँ पे सब कुछ हरा भरा बना रही हूँ. बाय द वे, जो आपको ये रिवर दिख रही है ये राम गंगा रिवर है जो कि सच में मेरे गांव के साइड में से निकलती है एकदम. मैं कभी इस रिवर के अंदर नहीं गई हूँ बट मैंने काफी लोगों को इस पर मजे करते हुए देखा है यार. ये ऑफ कोर्स वहाँ के लोग मजे तो करेंगे ही ना, वहाँ की हवा, पानी, खाना सब कुछ यहाँ से कितना ज्यादा बेटर है. आई मीन यार सिटी से. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, जब भी मैं नोएडा से उत्तरांचल जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है ऐसे सब कुछ HD हो चुका है बिकॉज वहाँ पे पोल्यूशन ही नहीं है. एंड सिमिलरली इस लैपटॉप का भी वेबकैम HD है विद इंफ्रारेड कैमरा. दैट मीन्स इसकी वेबकैम की भी क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी है. एंड ये मैं बना रही हूँ छोटा सा एक टेम्पल जो कि है भूमिया मंदिर. इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है एंड हम जब भी जाते हैं या आते हैं हमेशा इस टेम्पल में जरूर विजिट करके जाते हैं. जो मेरा घर है, मतलब मेरी दादी का घर है, मेरे एंसेस्टर्स का घर है, वो बहुत पास है इसी टेम्पल के. सो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी कि वो एग्जैक्टली कौन से माउंटेन पे है बिकॉज ऑफ कोर्स आसपास बहुत सारे माउंटेन्स है एंड यू गाइस मस्ट बी कंफ्यूज कि घर कहाँ बनेगा शिवांगी. सो बताएगी शिवांगी अभी, सब्र करो. उससे पहले आई एम श्योर आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि क्या मैंने इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली फोटोशॉप को परचेज किया. यार मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज इस लैपटॉप के साथ वी गेट Adobe क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन फॉर 3 months फ्री में. कैन यू बिलीव दिस. एंड उसी के साथ साथ MS Office का भी मिलता है. क्या बात है.
तो फाइनली मैंने घर बना लिया। जो सबसे टॉप पे है वो है मेरा घर, मेरी दादी का घर। 12th क्लास तक डैडी इसी घर में थे एंड डैडी बताते कि उनका स्कूल काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हुआ करता था, तो वो पैदल चल के जाते थे सारे बच्चे साथ में। काफी उस टाइम पे यार हार्डशिप होती थी, ये तो मानना पड़ेगा। अब जाके रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा एक्सेसिबल हुई है, बट पहले के टाइम पे नहीं था ये सब कुछ। आई वंडर मेरे दादाजी ने और भी कितने ज्यादा स्ट्रगल्स देखे होंगे। बट कमिंग बैक टू दिस इलस्ट्रेशन, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज दिस लैपटॉप इज लाइक 2 in 1। ये आईपैड भी है, लैपटॉप भी है, बिकॉज मैं इसे आईपैड की तरह यूज कर रही फॉर इलस्ट्रेटिंग एंड वैसे है ये एक लैपटॉप। सो इन शॉर्ट ही मुझे काफी पीपी लगा, पावरफुल एंड पोर्टेबल। ओ बाय द वे, मैं उत्तरांचल से कहां से हूं ये तो आपको पता ही नहीं। सो ये एरिया जो मैं बना रही हूँ, दिस इज नोन एज मासी। मासी मतलब मासी नाम है यार, मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज का। आई नो ये थोड़ा डिफरेंट है, शायद फनी भी लगेगा, बट दिस इज व्हाट इट इज एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। एनीवे गाइस, अब मैं ना बहुत सारी डिटेल्स ऐड करूंगी इसमें, शैडोज क्रिएट करूंगी। एकदम इसे रियलिस्टिक तो नहीं बनाऊंगी बिकॉज आई रियली वांट कि इलस्ट्रेशन ही रहे, बट हाँ थोड़ी और डिटेल्स ऐड करूंगी क्योंकि वो डिटेल्स का कीड़ा मेरे अंदर से निकलता ही नहीं है यार, क्या करूं। एंड बाय द वे यू नो व्हाट, ये जो 3 सेक्शंस मैंने बनाए हुए हैं, सच में ये ऐसा होता है कि एक विलेज होता है ना, इसमें तुम्हारे ही कम्युनिटी के, तुम्हारे ही ऐसे फैमिली मेंबर्स आसपास में रहते हैं, वही आप लोगों के नेबर्स होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं मल वाकई, बीच वाला है बीच बाखई एंड नीचे वाला है तल बाखई। सो कूल राइट, मतलब मैं जितना इस बारे में बात कर रही हूँ मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ वहाँ के लोगों को, वहाँ के एनवायरमेंट को। बाय द वे यार प्लीज मुझे जल्दी से बताओ, क्या आप कभी अपनी लाइफ में उत्तरांचल गए हो? इफ यस कहाँ गए हो? इतनी देर से मैं काम कर रही हूँ तो इसकी बैटरी लो हो गई, बट मैंने थोड़ी देर के लिए चार्ज किया ये इतनी जल्दी फास्ट चार्ज हुआ कि मैं क्या बताऊँ। सो कूल, यू नो व्हाट, हमारे घर के लेफ्ट साइड में है एक वाटरफॉल एंड राइट हैंड साइड में अराउंड 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे सच में टाइगर की एक गुफा है। कॉस उस टाइगर की गुफा में लोगों ने कई बार बाघ को देखा हुआ है, टाइगर को देखा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे इसीलिए रात को भी कभी कभी टाइगर दिख जाता है। सो इफ यू गाइस डोंट नो, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। एंड आई रिमेम्बर मैं बचपन में जब भी उसके आसपास जाती थी तो बहुत स्टोरीज होती थी एंड इतना डर लगता था कि क्या बताओ। एंड इसी में वर्स्ट पार्ट बताती हूँ कि उसी गुफा के नीचे स्प्रिंग वाटर के 2 सोर्सेज है जिसमें सारे विलेज के लोग पानी लेने जाते थे पहले के टाइम पे। आई एम श्योर आप में से जो लोग उत्तरांचल के होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, बट जो नहीं होंगे, जो एकदम ऐसे हार्डकोर सिटीज में ही रहे, उनको लग रहा होगा यार ये कौन सी क्या कहानियां सुना रही हूँ मैं, बट ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है गाइस। ये गाड़ी हम लोगों की है सिल्वर कलर की, जो हम हमेशा ऊपर की तरफ पार्क करते थे एंड नीचे हमें ट्रैक करके जाना होता था अपने घर में, मतलब अभी भी जाना पड़ता ही है। हमारी इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है एंड मैं अब यही बात पे कंक्लूड करूंगी कि जो प्रोसेस था असूस में बनाने का, टच स्क्रीन में बनाने का, 2 स्क्रीन में बनाने का, वाज प्रीटी अमेजिंग। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, एंड यू नो इट राइट, आई लव यू गाइस, बाय।